हेलो दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास ये LG का VRV AC का ये कंट्रोल यूनिट है। आज इसको रिपेयर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ये कंट्रोल पैनल सिंगल फेस ऑपरेटेड है, तो हम इसको पहले लाइन और न्यूट्रल देंगे। यहाँ पे हम कनेक्टर पे लगा रहे हैं। इसमें कोई एरर की प्रॉब्लम है तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पे हमने सप्लाई दे दी है तो इसे रिमोट से ऑन करते हैं। ये वायर्ड रिमोट होता है, जहाँ पे CH09 एरर आ रहा है। जो CH9 एरर EEPROM का एरर है, जो मेमोरी रिलेटेड IC होता है उसका एरर है। 8 पिन IC होता है इसमें। दोस्तों इस वीडियो को यूटी सोर्स वेबसाइट ने स्पॉन्सर किया है, और जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ऐसी विंडो खुलेगी। सबसे पहले हमें कंट्री चूज करनी होती है, और फिर हम कोई भी पार्ट सर्च करते हैं। जैसे हम 24 0C4 सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे ये EEPROM IC है, और यहाँ पे जो प्राइस है वो रुपीस में आएगा। इस वेबसाइट पे हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अवेलेबल हैं, आप कोई भी पार्ट आसानी से मंगवा सकते हो। जहाँ पे देख रहे हैं एक 8 पिन IC लगा हुआ है अलग PCB पे, तो जहाँ पे CH09 एरर आ रहा है, इसके लिए हम इस पे रीराइट प्रोग्राम करेंगे। जहाँ पे देख रहे हैं ये डक्ट BLDC कॉमन इस PCB का मॉडल है। इस PCB के हिसाब से हम इस IC से रिलेटेड हम डाटा डालेंगे इसमें। जहाँ से हमने इस छोटी PCB को अलग कर लिया है कनेक्टर उतार के, और इसको हम एक कंप्यूटर की मदद से इसमें डाटा डालेंगे। हमें इसमें डाटा डालने के लिए एक कंप्यूटर और दूसरा एक प्रोग्रामर चाहिए। जहाँ पे हमारे पास 809 एक प्रोग्रामर है, और जहाँ पे हमारे पास ये एक IC है, जो मेमोरी IC कहते हैं हम इसको। इसमें नया प्रोग्राम डालेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, और ये एक नया IC लेंगे 8 पिन। इसका जो नंबर है 24C04, और ये IC हम ये RT809 प्रोग्रामर में अटैच करेंगे। और ये देख रहे हैं ये विंडो जो इस RT809 की खुली हुई है, इसमें हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो नया प्रोग्राम डालना है वो हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे इस PCB का एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो ठीक है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब उसको राइट करेंगे तो जो ये 1 KB का डाटा है इस IC में आ जाएगा, और इसको हम निकाल कर इस PCB में लगा देंगे। जहाँ पे देख रहे हैं आप, तो अब हम इसको पावर सप्लाई देके चेक करेंगे PCB को। ये ऑन हो चुकी है। और 18 टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है कट ऑफ के लिए, वो शो कर रहा है। और जो एरर था CH09 वो ख़त्म हो गया है।